नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों आप देख रहे हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिला सांबा में हलचल की जा रही है, चाहे बाहरली स्टेट की बात करूं और चाहे हमारे जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों की बात करूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला जी की जब एंट्री हुई यहां पर जिला सांबा के अंदर स्मैलपुर गांव में, तो उनका जोरदार स्वागत यहां के गांव निवासियों द्वारा किया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा था ये आपने हमारे माध्यम से लाइव में पूरा देखा था। जो भी उन्होंने कहा था वो चौपर से यहां पर उतरते हैं और जो यहां के विजयपुर विधानसभा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं राजेश पंगोत्रा जी, उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों चौपर उतर चुका है और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी पहुंच चुके हैं हमारी स्मैलपुर की धरती पर, हमारे मंदिरों का शहर, मंदिरों की नगरी जिला सांबा के अंदर। और ये स्मैलपुर की भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो टक्कर है वो आसान नहीं रहने वाली है। बड़े बड़े सेंटर से मंत्री एंटर करने वाले हैं, क्या उनको टक्कर दे पाएंगे हमारे फारूक अब्दुल्ला जी, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जो आप जोश देख रहे हैं नौजवानों का, ये सरकार के खिलाफ गुस्सा है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ गुस्सा जो है ये इन नौजवानों का जो है वो सामने आ रहा है। पिछले 10 सालों से जिस तरीके से हमारे युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को बीजेपी की सरकार ने बेवकूफ बनाया और बेरोजगार किया और जम्मू कश्मीर को एक बर्बाद करके रख दिया, ये जो बीजेपी की सरकार के खिलाफ गुस्सा है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। हजारों की तादाद में जो है लोग जो है वो आज रैली में जो है वो आ रहे हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी के स्वागत के लिए पहुंचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ ये कह रही है कि तीनों सीटें हम अर्जित करेंगे जिला सांबा। कैसे करेंगे मुझे बताइए, कैसे करेंगे? लोग वोट डालेंगे इनको तो करेंगे ना, लोग इनको वोट ही नहीं डाल रहे हैं। और इन्होंने तो बहुत कुछ दिया, बहुत नारे दिए थे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं ये जम्मू कश्मीर की असेंबली की जो चुनाव है ना, इसमें सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनने जा रही है। ये 8 अक्टूबर को आप रिजल्ट देख लेना। यहाँ पर जो राजनीतिक दंगल हमें देखने को मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं कड़ी टक्कर, कोई भी पार्टी अपने आप को कम नहीं समझ रही। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे माध्यम से अभी पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि नौजवान उनके लिए यहां पर खड़े हैं और आज स्मैलपुर की भूमि में यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी पहुंचने वाले हैं और आप देख रहे हैं बिल्कुल उनके साथ में जो उनके गार्ड हैं वो भी यहां पर है। और फारूक अब्दुल्ला जी आप देख रहे हैं चौपर से स्मैलपुर में पहुंचे और अब यहां पर स्मैलपुर की भूमि में यहां पर पहुंचे हैं। और आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं अभी पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी यहां पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं इसकी जा रही है गाड़ियों के साथ जो है इस चीज को लेने की। और मैं